हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं प्याज और आलू का पकौड़ा, एकदम वो भी क्रिस्पी वाले। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे, बिल्कुल बाहर जैसे, जैसे हम बाहर से मंगाते ना वैसे ही। ये देखिए, मैंने प्याज लिया है, ये मैंने दो प्याज लिए बड़े बड़े, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसमें ये हरी मिर्ची और ये हरा धनिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच, और इसमें हम बेसन डालेंगे। मैं इसमें दो चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ बड़े बड़े, और मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी अभी। इसमें एक चम्मच ज़ीरा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जो ये जो प्याज का जो पानी होता है ना धोने के बाद में, ये अच्छे से इसमें सूख जाए, क्योंकि प्याज पानी ऑलरेडी छोड़ता है। तो हम पहले इसको अच्छे से सुखा लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसमें और बेसन पड़ेगा अभी थोड़ा। तो हमारा टोटल तीन चम्मच बेसन हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसको रखने से ना ये ऑलरेडी अपने आप गीला होते जाता है, नरम होता है। तो हमें इसका जो बैटर है वो नरम नहीं चाहिए, थोड़ा सूखा सूखा जैसा चाहिए, थोड़ा टाइट रहना चाहिए। मतलब ये देखिए, ऐसे अलग अलग रहना चाहिए, एकदम चिपचिप नहीं होना चाहिए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तेल हो चुका है, मैंने इसमें ये प्याज का पकौड़े डाल दिए। आपको इसको थोड़ा ऐसे खोलते हुए डालना है, एकदम गुलगुला जैसा बना के नहीं डालना है। वैसे क्या होता है, अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर से तो सिक जाता है। और आप ये ऐसे डालेंगे ना इसको खोलते हुए थोड़ा, तो ये अंदर और बाहर से अच्छा सिक जाता है, तल जाता है और क्रिस्पी होता है। तो देखिए, हमारा ये प्याज का पकौड़ा रेडी हो चुका है, एकदम क्रिस्पी वाला, बिल्कुल बाहर के जैसा। अभी हम दूसरा बना लेते हैं। ये मैंने उसी प्याले में दो चम्मच में बेसन ले रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि एकदम पतला सा बैटर नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए। ये देखिए, मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से या हाथ की मदद से, जैसा आप चाहें वैसे इसको फेंट सकते हैं। बस एक अच्छा सा स्मूथ बैटर चाहिए, थोड़ी सी हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो ये बैटर है अच्छे से रेडी हो चुका है। और ये हमारे आलू, जो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है गोल गोल, अब हम इसको इसमें डिप करके डाल दूंगी। ये देखिए, सारे जो बटाटा है, आलू है, इसको मैं इसमें फटाफट डिप करूंगी और इसे तेल में डालती जाऊंगी। और आपको इसको मीडियम आंच पे पकाने, मतलब स्लो पे, कि ये अच्छे अंदर से और बाहर से तल जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, और ये अच्छा क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, हमारे आलू के पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी जल्दी बनते हैं ये। ये हमारा प्याज और आलू का पकौड़ा, ये देखिए क्रिस्पी बाहर के जैसा, और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता है, बहुत ही कम तेल इसमें सोखता है। तो बस आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।